सिट्रोएन C3 की चर्चाएं आजकल भारतीय कार बाजार में खूब तेजी के साथ हो रही है। आप जानते हैं सिट्रोएन की दूसरी गाड़ी होगी जो भारतीय कार बाजार में लॉन्च होगी, डबल C21 इसका कोड नेम हाल फिलहाल में हम कह सकते हैं, लेकिन ये एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV होगी और इसकी कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इमेजेज, कुछ नई बातें जो सामने आई है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल के नाम बिश्नोई कार ड्राइव के सामने जो लाल सा इसे लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन है, या आप हिंदी में अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो सदस्यता लें ऐसा लिखा हुआ है, उस पर एक बार क्लिक अवश्य करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि सिट्रोन की C3 से संबंधित जो भी लेटेस्ट खबर होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी हमारे माध्यम से। तो साथियों, बात कर लें इस नई आने वाली गाड़ी की, तो कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई है। इसकी इमेज आप देख सकते हैं फ्रंट से, इसका हेक्सागोनल ग्रिल विथ क्रोम बॉर्डर इसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बना रही है। सिग्नेचर ट्विन स्ट्रिप इसके लुक को और बेहतर बना रही है। स्प्लिट टाइप के हेडलैम्प्स आप देख ही सकते हैं। LED DRLs की बात करें तो इनके साथ ऊपर की तरफ जो फ्लैट बोनट है वो इसके फ्रंट को काफ़ी शानदार और आकर्षक लुक दे देता है। साथियों, कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट के साथ स्कर्वी फोग लैंप्स आप देख सकते हैं, और स्किड प्लेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से ये जो है वो फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा सुंदर कार बन जाती है, दिखने में काफ़ी फेबुलस कार मानी जा सकती है। साथियों, साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे, वो भी काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ आएंगे, जिससे ये इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो देखते ही लोगों को लगेगा कि वाह क्या शानदार कार है। साथियों, आप देख सकते हैं छत की बात करें तो यहाँ जो है वो ड्यूल कलर के साथ रूफ आएगी इसकी, नारंगी कलर का इसका जो छत है वो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कार के ऊपर ही सूर्योदय हो रहा हो, तो ये सूर्योदय के समान लालिमा लिए हुए कार आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ आपको काफ़ी शानदार महसूस करवाएगी। वहीं इसकी यदि गहरी और काली रूफ रेल को देखें तो इस रूफ रेल की डिज़ाइन और स्थिति की वजह से इसका जो लुक है वो पूरी तरह से स्पोर्ट्सी हो जाता है और पहली ही नज़र में आप इसे पसंद कर पाएंगे, ऐसी कार बन जाती है। साथियों, आप जानते हैं इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 120 से 125 BHP का शानदार पावर देगा। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि पावर के मामले में ये गाड़ी सबसे आगे रहेगी अपने सेगमेंट में। साथियों, आपको बता दें इसमें आपको 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और साथ ही 5-स्पीड DCT गियरबॉक्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हम मान सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बहुत सारे होंगे, मतलब ये कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, जो भी आप जैसे फीचर चाहते हैं, जैसी जो चीज़ चाहते हैं वो सभी इस कार के अलग अलग वेरिएंट में मिल जाएगी। साथियों, डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो ये होने वाली है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV, तो 4 मीटर छोटी होगी, लेकिन ये वो सेगमेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो लंबाई इसकी 3996 mm, जबकि चौड़ाई 1790 mm और ऊँचाई 1640 mm के आसपास होगी। साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस इसका 205 mm के आसपास रहने वाला हो सकता है, इस प्रकार का ये डायमेंशन इस गाड़ी में आपको देखने को मिले। साथियों, इसकी प्राइस आमतौर पर कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि 5 लाख से शुरू होगी, लेकिन जिस प्रकार से सिट्रोन की गाड़ियों को देखते हुए लग रहा है कि इसकी प्राइस किसी भी हालत में 6.5 लाख से कम नहीं होने वाली। एक अनुमान यदि मैं अपनी तरफ से लगाऊं तो 6.5 या 7 लाख से इसकी प्राइस 14 से 15 लाख तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ट्रिम मिलेंगे, बहुत सारे गियर बॉक्स मिलेंगे और अलग अलग चॉइस के अनुसार आप मनपसंद गाड़ी ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरियंट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये क्योंकि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV है तो इसकी टक्कर जो होगी वो 9 गाड़ियाँ इस सेगमेंट में पहले से है। आप यदि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV लेने का विचार कर रहे हैं, अभी आप बुक करवाएंगे शानदार गाड़ी कम से कम आपको 5 से 7 महीने से पहले नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप उस समय तक इंतज़ार करें तो ये सिट्रोन C3 भी भारतीय बाजार में आ जाएगी। साथ ही इसकी टक्कर होगी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा से, हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट से, टाटा की नेक्सन से, इनके अलावा रेनो की काइगर जो हाल ही में लॉन्च हुई है, और निसान की मैग्नाइट जिसकी डिमांड आजकल काफ़ी ज़्यादा या चर्चाएं भी काफ़ी हो रही है। इतना ही नहीं, महिंद्रा की XUV300 और फोर्ड की इको स्पोर्ट्स भी यहाँ इस रेस में शामिल है, और होंडा की WRV भी इस सेगमेंट की एक शानदार गाड़ी। तो कुल मिला के ये 9 गाड़ियाँ जो पहले से ही इस सेगमेंट में है, और इनकी टक्कर अब होगी 10वीं गाड़ी यानी सिट्रोन की C3 से। हो सकता है इसका नाम कुछ अलग हो। अभी भारतीय बाजार में आते आते बहुत सारे अपडेट इसमें आएंगे, हमारे सामने आएंगे, नई नई चीज़ें हमारे सामने आएगी, इसका नाम क्या होगा, प्राइस क्या होगी, कब तक आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे हमारे सामने आएगी। हमारी नज़र पूरी तरह से इस गाड़ी पर बनी हुई है, जैसे
नहीं सबसे छोटी खबर भी इससे संबंधित जो भी आएगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आशा है आपका प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा। आप सब यहां तक आए, इस वीडियो को देखा, इवन बिना स्किप किए देखा, ये सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।